सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है। लास्ट एक कमेंट आया, बहुत शानदार, कहते सर आप तो कोलेस्ट्रॉल के पीछे ही पड़ गए हैं, क्या करें, कोलेस्ट्रॉल ढीट रहता है ना, बहुत कॉमन है, अड़ गया तो सौखा जाता नहीं, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड्स हो गए, LDL बढ़ गया, HDL की वैल्यू नहीं बढ़ रही, यानी कि लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है, बहुत कॉमन समस्या है। ठीक कहा, उसके पीछे ही पड़ गए हैं, क्योंकि इसको ठीक करके छोड़ेंगे। और दूसरी रीज़न, स्टैटिन्स लेने पड़ते हैं, स्टैटिन्स के साइड इफेक्ट्स रहते हैं, जब तक खाएं तब तक कंट्रोल है, कई बार तब भी कंट्रोल नहीं रहता है, क्या करें, होम्योपैथी अपनाएं। लास्ट कपल ऑफ वीडियोस में ना यही सब चलता है, यही सब चल रहा था, ये डिस्कशन चल रही थी, कोलेस्ट्रॉल को कैसे काबू में करें, उसमें भी ना LDL कोलेस्ट्रॉल जो रहता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, द वेरी फर्स्ट वीडियो पार्ट वन में उसके बारे में पूरी चर्चा की, देख लीजिए अगर इफ यू नॉट सीन। सेकेंड पार्ट में बहुत एक उम्दा दवा आपको बताई जो LDL पे पर्टिकुलरली काम करती है, उसको कंट्रोल करी, उसको नॉर्मलाइज रखेगी, नॉर्मल रेंज में रखेगी। आज बात करूंगा, 4 से 5 इंपॉर्टेंट आपको दवाएं देता हूं दोस्तों, ये आपका लिपिड प्रोफाइल को बिगड़ने देंगे ही नहीं, शर्तिया नहीं बिगड़ने देंगे। अच्छा, दिक्कत पता है कहाँ आती है, हमें रेमेडीज़ की जानकारी भी हो जाती है, हमें रेमेडीज़ को समझ भी लेते हैं, लेकिन क्या डोजेज, क्या पोटेंसी और कौन सी दवा कौन से पेशेंट में बेहतर काम करेगी, बिकॉज इन होम्योपैथी ये बात समझे आप, देर इज नो जनरलाइज्ड रूल एज सच कि ये दवा हम सबको दे सकते हैं, सबका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाएगा, कुछ एक्सेप्शन है इसमें, लेकिन हाँ आज जो दवाएं आपके सामने रख रहा हूँ ना, उसके साथ आपको बताऊंगा कि आपका प्रोफाइल किस प्रकार का है, उस हिसाब से आप कौन सी दवा चूज कर सकते हैं, आपकी कंडीशन, आपको दिक्कतें, आपके सिम्टम्स जिस प्रकार के हैं, उस हिसाब से आप अपनी दवा चूज कर सकते हैं। आइए ज्यादा समय नहीं लेंगे, डायरेक्टली वी कम टू द रेमेडीज। इन दवाओं की ना तकरीबन चर्चा पहले हुई अलग अलग वीडियोस में, उसमें क्या हुआ था कि कंप्लीट नॉलेज आपके सामने रखी मैंने, उस दवा के पूरे सिम्टम्स इन टोटैलिटी आपके सामने रखे। आज वी आर डिस्कसिंग पर्टेनिंग टू ओनली कोलेस्ट्रॉल, द लिपिड प्रोफाइल, ठीक है, लिपिड प्रोफाइल कह लें कि उसके सब तरह के कोलेस्ट्रॉल कवर हो जाते हैं, उसको बिगड़ने नहीं देंगे, उसको नॉर्मल रेंज में रखेंगे। द वेरी फर्स्ट रेमेडी संबुल, इसका लास्ट वीडियो देखिएगा, संबुल जस्ट कपल ऑफ वीडियोस पहले इसके ऊपर टोटल डिस्कशन की, वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी, बहुत ही उम्दा दवा। संबुल कहाँ दें, कौन सी कंडीशन में अगर कोलेस्ट्रॉल बिगड़ता है तो देनी चाहिए, वो समझिए। पहली बात पक्की है, हमारी आर्टरीज स्क्लेरोज्ड हो गई हैं, यानी कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया है, यानी कि आर्टरीज जो हैं, ब्लड वेसल्स सप्लाइंग टू द हार्ट, वो सख्त हो गई हैं, उनके अंदर प्लाक जमना शुरू हो गया, जिस चीज़ को हमने अवॉइड करना है पहले, ठीक है। दूसरा, यू हैव बीन डायग्नोज एज ए CAD पेशेंट, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज पेशेंट, आपको कहा गया है, कार्डियोलॉजिस्ट ने आपको बोल दिया है, उस कंडीशन में संबुल देंगे। तीसरा, मैंने कहा जैसे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस तो है, लेकिन उसका कारण क्या रहा पीछे, हाइपरटेंशन। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि BP बढ़ता है, हमें पता नहीं लगता, देयर नो सिम्टम्स एट टाइम्स, या अनदेखा कर गए, सर दर्द की गोली खा ली, या सिम्टम्स को ना सप्रेस कर दिया, लेकिन वो हाइपरटेंशन किस वजह से हो रहा है उसका ध्यान नहीं दिया, और ये लगातार हाइपरटेंशन होता रहा है ना, इट हैज लेड टू आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। संबुल यहाँ काम करेगी, ठीक है। और लिपिड प्रोफाइल मैंने बताया आपको बिगड़ा हुआ है, उसमें कोलेस्ट्रॉल्स हाई हैं, उसमें ट्राइग्लिसराइड हाई हैं, उसमें LDL हाई है, HDL नॉर्मल से भी कम है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, ऐसे केस में संबुल देंगे। और याद रखिए, संबुल का जो पेशेंट होगा ना, वो थोड़ा हिस्टेरिकल होगा, वो थोड़ा नर्वस किस्म का होगा, यानी कि एंग्शियस सब्जेक्ट्स इन जनरल हम बोलते हैं, एंग्जाइटी लेवल ज़्यादा हो जाता है, बंदा रेस्टलेस हो जाता है, बेचैन रहता है हमेशा, ठीक है, ऐसे पेशेंट्स का प्रोफाइल रहता है, संबुल वहाँ काम आएगी। और ये इतनी अच्छी दवा है, ये ना आपके LVEF को भी बढ़ाती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जो इजेक्शन फ्रैक्शन है, हार्ट की पंपिंग एक्शन है ना, उसको भी इम्प्रूव करती है। आइए डोजर पोटेंसी समझे, संबुल की मात्रा लेनी हमने, अच्छा लेना है क्यू फॉर्म में, मदर टिंचर लें, मात्रा जो लेनी है 10 से 12 बूंदें, कम से कम दिन में 2 बार, आधे से आधा कप पानी, गुनगुना हो तो बेहतर है, सुबह लें और ऐसे ही शाम को रिपीट करें, दिन में 2 बार, 10 to 12 ड्रॉप्स ट्वाइस अ डे, ठीक है। ये आपने लेनी है फॉर 4 to 6 वीक, 4 से 6 हफ्ते लगातार लीजिएगा, असर दिखता है। दूसरी इंपॉर्टेंट दवा है गौटेरिया गोमेरी, गौटेरिया जो है ना, ये भी मदर टिंचर फॉर्म में काम आती है, और ये पर्टिकुलरली वो पेशेंट्स में होती है जहाँ जरूरत पड़ती है, जहाँ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो रहा है, धमनियों में दिक्कत आ रही है, वो सख्त हो गई हैं, प्लाक जमना शुरू हो गया,
ठीक है, और साथ में क्या होगा, पैल्पिटेशंस होंगे। मार्क माय वर्ड्स, आज की वीडियो में ना मैं आपको बताऊं बहुत चुनिंदा शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, जस्ट टू द पॉइंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, नोट कीजिएगा, पैल्पिटेशंस होंगे और साथ में टैकीकार्डिया, ठीक है, धड़कन तेज होगी और जोर से होगी, यानी कि खुद को सुनाई देती है, धक धक करके दिल धड़क रहा है, इट विल बी ऑन हायर साइड, टैकीकार्डिया मैंने बताया। और कुछ भी खाएं ना, खाने के बाद और वर्स हो जाती है, और बिगड़ जाती है, ये सब सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं टुवर्ड्स गाउटेरिया गोमेरी। और किस प्रकार के पेशेंट को गाउटेरिया लेनी चाहिए वो भी समझें, इसको हम बोलते हैं स्पेशली, इसके ना एफिनिटी है, एक स्ट्रॉन्ग, एक ना लगाव है कह लें, एक अट्रैक्शन है टूवर्ड्स हेपैटोबिलियरी सिस्टम, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर लिवर है ना, उसको लेके एक अट्रैक्शन है, एक एफिनिटी है, एक जो हमारा गॉल ब्लैडर है उसको ले, क्योंकि बेसिकली इट इज नथिंग बट लाइकोपोडियम प्लस चेलिडोनियम, ठीक है, तो वो जो हमारा लिवर और गॉल ब्लैडर की देख रेख के लिए बहुत उम्दा दवाएं हैं, तो इसलिए गाउटेरिया गोमेरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, जहाँ ये एसोसिएटेड सिम्टम्स कह लें बदहजमी के, इनडाइजेशन के, या जहाँ हमारा लिवर अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, साथ में ऐसा हो रहा है, तो वहाँ गाउटेरिया ही काम आएगी। पोटेंसी और डोजेज भी समझें, वही क्यू फॉर्म मदर टिंचर में काम आएगी गाउटेरिया गोमेरी, 10 से 12 बूंदें कम से कम दो बार, ठीक है, वही आधे से आधा कप गुनगुना पानी लें, दिन सुबह लें, ऐसे शाम को रिपीट करें 4 to 6 weeks, 4 to 6 हफ्ते तक इसको लगातार कीजिए, रिजल्ट दिखता है। इसी प्रकार से ना तीसरी दवा लेते हैं इंपॉर्टेंट, दैट इज क्रेटिगस, क्रेटिगस ऑक्सीकैंथा। क्रेटिगस के ऊपर तो बेशुमार डिस्कशन हो चुकी है गुरु नानक केयर्स के प्लेटफॉर्म पे, आई हैव नंबर ऑफ वीडियोस, क्रेटिगस का जिक्र अक्सर होता है जहाँ हार्ट के पेशेंट्स हैं। जैसे पिछली दवा मैंने बताया ना गाउटेरिया, उसकी एक स्पेशल एफिनिटी है टुवर्ड्स लिवर एंड गॉल ब्लैडर, इसी प्रकार से जो क्रेटिगस है ना वो पर्टिकुलर फॉर हार्ट पेशेंट्स हैं, जहाँ हार्ट इन्वॉल्व है, जहाँ हार्ट के डिसऑर्डर्स हैं, जहाँ हार्ट की वीकनेस है, ये एक बहुत ही शानदार कह लें हार्ट का टॉनिक रहता है, और आर्टरीज के अंदर वही स्क्लेरोसिस हो रहा है, वैसे ही प्लाक जमना शुरू हो गया, उसको खदेड़ देगा अपनी जगह से, क्रस्टेशियस डिपॉजिट्स को रिमूव करता है, ठीक है, बहुत बहुत उम्दा रोल क्रेटिकस का। और फाइनली याद रखें, जहाँ कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, जहाँ ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा हैं, और पीछे की हिस्ट्री देखें तो हाइपरटेंशन रहता है, बीपी बढ़ता था पेशेंट में, जिस वजह से दिक्कतें आई हैं, ठीक है, क्यू फॉर्म में लें क्रेटिगस क्यू मदर टिंचर, अगेन 10 से 12 बूंदे दिन में दो बार, 1/4 पानी ग्लास पानी गुनगुना पानी लें सुबह, ऐसे शाम को रिपीट करें, ठीक है, 4 to 6 हफ्ते इसको लगातार कीजिएगा, आराम आएगा। चौथी इंपॉर्टेंट दवा लेते हैं, दैट इज बेरेटा म्यूर, बेरेटा म्यूरियाटिका। इसमें भी ना ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के पेशेंट्स में काम आती है, जिनको साथ में बीपी बढ़ता है, हाइपरटेंशन। लेकिन इसका और क्रेटिगस में क्या अंतर हम अपने नॉलेज के लिए ले सकते हैं, क्योंकि बेरेटा म्यूर तकरीबन वहाँ ज़्यादा हेल्प करती है जहाँ ना बीपी बढ़ता है पेशेंट का, जो सिस्टोलिक है ऊपर वाला बीपी वो ज़्यादा ऊपर को जा रहा है, जो डायस्टोलिक है नीचे वाला बीपी है वो लो रहता है, यानी कि हाई सिस्टोलिक एंड लो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये बड़ा पेक्यूलियर सा रहता है, याद रखिएगा, वहाँ बेरेटा म्यूर हेल्प करती है। बेरेटा म्यूर ना एन्यूरिज्म केसेस में भी दी जाती है, हम जानते हैं, जहाँ आर्टरीज डायलेट हो जाती हैं, एन्यूरिज्म के ऊपर भी अलग से चर्चा है, कंप्लीट नॉलेज के लिए देख लीजिएगा। 3x या 6x टैबलेट्स इजीली अवेलेबल रहती हैं, 2 to 3 गोली दिन में 2 to 3 बार ले सकते हैं बेरेटा म्यूर। अगली इंपॉर्टेंट दवा है अर्जुना, टर्मिनेली अर्जुना बोलते हैं, सदियों से चलती आ रही है, हार्ट के लिए बहुत अच्छी दवा है, और होम्योपैथिक जो उसका मदर टिंचर हम यूज़ करते हैं, तो याद रखिए जहाँ ना हार्ट के देखे गए हैं कि फंक्शनल डिसऑर्डर्स भी हो रहे हैं और ऑर्गेनिक चेंजेस भी आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स एंड फंक्शनल डिसऑर्डर्स दोनों हो रहे हैं हार्ट में, तो ये एक बहुत अच्छी दवा है जहाँ दोनों डिजीज को कवर करती है, बहुत अच्छे से कवर करती है अर्जुना। इसकी भी आप लें 10 से 12 बूंदे, वही 1/4 कप गुनगुना पानी दिन में दो बार, 4 to 6 हफ्ते इसको भी लगातार कीजिएगा। इसमें भी वो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, इसमें भी वो धमनियाँ में जो उनकी वॉल्स है ना आर्टरीज की, वो सख्त होती हैं, लेकिन कई बार ना बीपी लो भी रहता है पेशेंट का, ये इंपॉर्टेंट है, अर्जुना देंगे काम आती है। अगली दवा है दैट इज़ एलियम उर्सिनम। ये लास्ट वीडियो रहा अपना जहाँ एलडीएल के लिए बहुत उम्दा दवा मैंने बताई आपको, एलियम उर्सिनम, वो वीडियो अच्छे से देखिएगा, उसमें इसका पूरी डिटेल में चर्चा है, यहाँ ज़्यादा बात नहीं करेंगे। एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ कोर्स होता है, इतना बता दूँ मैं आपको, और कई बार होता है कि बीपी नहीं बढ़ता,
ब्लड प्रेशर नॉर्मल रह रहा है, लेकिन वो एथेरोस्क्लेरोसिस के फिनोमिना देखने में आ रही है, दिक्कत आ रही है, वहाँ क्या करें? एलिमोर्सिनम विल हेल्प। ठीक है, अगेन क्यूब फॉर्म में लें, 10 से 12 बूंदें दिन में दो बार। अब एलिमोर्सिनम की बात चलिए तो एलियम सेटाइवम भी नोट कीजिएगा, अगली दवा दैट इज एलियम सेटाइवम। एलियम सेटाइवम में हम सब जानते हैं दी गार्लिक, जो अक्सर हमारे किचन्स में यूज़ होता है, एलियम सेटाइवम का रोल इंपॉर्टेंट है। बीपी बढ़ता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, ठीक है, एलियम सेटाइवम। ये ऐसे बहुत अच्छा एंटी हाइपरटेंशन दवा का भी काम करती है। अगेन क्यू फॉर्म में लें, मदर टिंचर में लें, 10 से 12 बूंदे, एक चौथाई कप गुनगुना पानी सुबह और ऐसे शाम को रिपीट करें। ये 6 से 7 दवाएं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपके सामने खजाना रख दिया है होम्योपैथी का, जो कि कोलेस्ट्रॉल आपके लिपिड प्रोफाइल पे इनफैक्ट टोटैलिटी पे हेल्प करती हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आज के डिस्कशन से ना आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नॉलेज हो गई होगी कि आपका प्रोफाइल किस प्रकार का है, आपके जो ब्लड टेस्ट हैं वो उसमें क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या रह रहा है। अगर आप खुद से दवा लेना चाहते हैं तो ये वीडियो अच्छे से समझिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। यू कैन मैंशन योर कमेंट सेक्शन, अपनी क्वेरी आप सेंड कर सकते हैं। यू कैन मेल मी एट gunanakares@gmail.com। उम्मीद करूँगा आज के वीडियो से आपको 100% फ़ायदा होना चाहिए। दोस्तों जुड़े रहें गुनाना केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, गॉड ब्लेस।